अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। टुडे माय टॉपिक इज़ पाकिस्तान रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्रीज़। पाकिस्तान के उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। तो सबसे पहला जो कंट्री है दैट इज़ पाकिस्तान रिलेशन, पाकिस्तान चाइना रिलेशन। पाकिस्तान चाइना रिलेशन में नंबर वन पॉइंट जो है उसमें ये था कि चाइना केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1949। चाइना जो था 1949 में वजूद में आया था एंड पाकिस्तान जो था इमीडिएटली रिकग्नाइज इट। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इसको जो था वो उसको तस्लीम किया था। पाकिस्तान चाइना जो फ्रेंडली रिलेशन स्टार्ट हुए थे अगर उसकी बात करें तो वो 1954 से 1955 का जो टाइम था उसमें पाकिस्तान और चाइना के फ्रेंडली रिलेशन स्टार्ट हुए थे। फिर आ जाता है हमारे पास के पाकिस्तान चाइना रिलेशन जो है वो हमेशा से जो है वो पाकिस्तान चाइना हैज़ ऑलवेज प्रूव्ड इट्स सेल्फ टू बी द डिपेंडेबल फ्रेंड इन वॉर एंड पीस। चाइना ने हमेशा ये साबित कर दिया कि वो जंग और अमन दोनों हालत में पाकिस्तान का जो है वो दोस्त रहा है। पाकिस्तान जो है वो उसने भी चाइना की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है, ठीक है ना। चाइना ने पाकिस्तान ने कैसे सपोर्ट किया है, पाकिस्तान एक्सटेंडेड फुल सपोर्ट टू द चाइना फॉर मेकिंग इट द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। पाकिस्तान ने चाइना को सिक्योरिटी काउंसिल जो है जो आपके पास आ जाता है यूनाइटेड नेशन का एक इंस्टीट्यूशन है उसका परमानेंट मेंबर बनाने में पाकिस्तान ने चाइना को प्रमोट किया था। उसके बाद आ जाता है नंबर थर्ड पॉइंट में, पाकिस्तान प्रूव्ड प्रोवाइडेड एवरी पॉसिबल पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एंड मोरल सपोर्ट इन द चाइना ड्यूरिंग द वॉर विद द इंडिया ऑफ द निफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी एंड लद्दाख इन 1962। पाकिस्तान ने भी चाइना की हेल्प की थी पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली और मोरल सपोर्ट। किस टाइम पे की थी, जब पाकिस्तान चाइना की इंडिया के साथ वॉर हुई थी नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी में और लद्दाख में इन 1962 में। फिर आ जाता है कि चाइना मोरली पॉलिटिकली स्ट्रेटजिकली एंड फाइनेंशियली सपोर्ट पाकिस्तान इट्स वॉर अगेंस्ट इंडिया इन 1965 to 1971। इसी तरह चाइना ने पाकिस्तान की जो थी वो पाकिस्तान की जो थी वो मदद की थी 1965 की वॉर में और 1971 की वॉर जो कि इंडिया के अगेंस्ट हुई थी। आफ्टर द एटॉमिक ब्लास्ट बाय द इंडिया इन 1974, इंडिया ने 1974 में एटॉमिक ब्लास्ट किए थे। चाइना एंड पाकिस्तान अडॉप्ट अ सिमिलर न्यूक्लियर पॉलिसी, बोथ एम्फसाइज़ दैट द इंडियन ओशन शुड बी डिक्लेयर एज अ न्यूक्लियर फ्री जोन। और दोनों कंट्रीज जो थे उन्होंने जो था वो इस चीज़ पर फोकस किया था कि इंडियन ओशन शुड बी डिक्लेयर, कि जो इंडियन ओशन का इलाका है उसको जो है वो न्यूक्लियर फ्री जोन बनाया जाए, ठीक है। तो बोथ कंट्रीज साइंड अ न्यूक्लियर पैक्ट इन 1986 और दोनों कंट्रीज जो था वो न्यूक्लियर पैक्ट के अंदर साइन किया था जो कि 1986 में हुआ था एंड चाइना एक्सटेंडेड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल कॉपरेशन। आगे आ जाता है पाकिस्तान का नंबर सिक्स पॉइंट है द 900 किलोमीटर लॉन्ग सिल्क रोड कराकरम वॉज रिकंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ चाइना। कराकरम हाईवे जो कि हंजराब पास में बनाई गई है, ठीक है, ये कराकरम हाईवे है, इसको सिल्क रोड भी कहा जाता है। इसकी लेंथ जो है वो 900 किलोमीटर है। इसके ये बेसिकली क्या है, एक एग्जांपल है जो है पाकिस्तान चाइना रिलेशन की। मैनी डिफेंस एग्रीमेंट, लास्ट पॉइंट हमारा चाइना पाकिस्तान रिलेशन में आ जाता है कि चाइना पाकिस्तान रिलेशन में कि पाकिस्तान और चाइना ने मैनी डिफेंस एग्रीमेंट्स में जो है वो साइन किए हैं जिसके अंदर जो है वो चाइना पाकिस्तान की हेल्प करेगा इन कंस्ट्रक्टेड ऑफ द कामरा कॉम्प्लेक्स व ऑर्डनेस फैक्ट्री। उसके अलावा जो है वो इट्स गेव ₹274 मिलियन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हैवी इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स इन खैबर पख्तूनख्वा। इन 2013 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विजिट चाइना ड्यूरिंग दिस टूर। डिफरेंट एग्रीमेंट्स इन मैनी डिपार्टमेंट्स बिटवीन बोथ कंट्रीज वर साइन इंक्लूडिंग द पावर सेक्टर। चाइना पाकिस्तान रिलेशन को अगर हम समअप करते हैं तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि सबसे पहले कि चाइना केम टू एग्जिस्टेंस इन 1949 और पाकिस्तान चाइना की जो रिलेशन, पाकिस्तान ने फौरन से इसको रिकग्नाइज किया था, फौरन से इसको तस्लीम कर लिया था। पाकिस्तान चाइना रिलेशन जो थे वो स्टार्ट हुए थे 1954 से 1955 का जो टाइम था उसमें। उसके बाद यह कि चाइना ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है, इसी तरीके से पाकिस्तान ने चाइना की मदद की है इन 1962 में जो लद्दाख में वॉर हुई थी, ठीक है, निफा लद्दाख में जो इंडिया और चाइना में वॉर हुई थी उसमें पाकिस्तान ने चाइना को सपोर्ट किया था। चाइना ने इन रिटर्न 1965 की वॉर और 1971 की वॉर में जो था वो पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। फिर हम ये देखते हैं कि 1974 में जो था वो चाइना इंडिया ने जो था वो एटॉमिक ब्लास्ट किए थे और उस एटॉमिक ब्लास्ट के जवाब में जो था वो पाकिस्तान और चाइना दोनों ने सिमिलर
पॉलिसी अपनाई थी, और वो पॉलिसी ये थी कि इंडियन ओशन को जो है वो न्यूक्लियर फ्री जोन बनाया जाए और रिस्ट्रिक्ट कर किया जाए इंडिया को कि वो अब मजीद एटॉमिक ब्लास्ट जो है वो नहीं करे। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती की एक मिसाल हमारे पास आ जाती है सिल्क रोड की सूरत में, या कराकरम हाईवे जो कि 900 किलोमीटर जो है वो लॉन्ग है। फिर पाकिस्तान और चाइना जो है उसने बहुत सारे डिफेंस एग्रीमेंट्स भी साइन किए हैं जिसके तहत चाइना जो है वो पाकिस्तान को हेल्प करेगा इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कामरा कॉम्प्लेक्स, वॉर्नस फैक्ट्री, उसके अलावा जो है वो केपीके के अंदर एक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाया जाएगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने 2013 जो था उसमें चाइना का दौरा किया था और डिफरेंट इन कंट्रीज़ ने डिफरेंट माहदों पर जो थे वो साइन किए थे। पाकिस्तान इंडिया रिलेशन में आते तो पाकिस्तान इंडिया रिलेशन में सबसे अहम चीज़ जो है वो ये आ जाती है कि द मेन डिस्प्यूट इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो सबसे बड़ा झगड़े की वजह जो है दैट इज़ द कश्मीर इशू। कश्मीर इशू जो है जो सबसे बड़ा झगड़ा है एंड विदाउट द सोल्यूशन द रिलेशंस कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड। इस मसले के सोल्यूशन के बगैर कोई भी जो है वो सूरत हाल जो है वो सही नहीं हो सकती है। बेटर टाई कैन बी इस्टेब्लिश बिटवीन बोथ कंट्रीज़ इन ऑल द फील्ड्स इफ़ इट इज़ रिजॉल्व। अगर ये मसला हल हो जाता है तो दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो अपने रिलेशंस जो हैं वो बेहतर कर सकते हैं। पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज शो अ पॉजिटिव एटीट्यूड बट इंडिया इज़ नॉट सीरियस अबाउट द रिजॉल्विंग दिस इशू। पाकिस्तान ने हमेशा से जो है वो ये कोशिश की है कि इस मसले को जो है वो हल किया जाए, लेकिन इंडिया कभी भी इस सिलसिले में पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं दिखाया है। नंबर सेकेंड पॉइंट में आ जाता है फॉर रिजॉल्विंग द वाटर इशू, ठीक है। आप लोग इसकी हेडिंग्स भी बना सकते हैं यहाँ पर, जो आपकी पहला जो पॉइंट है पाकिस्तान इंडिया के अंदर, इसके ऊपर आप कश्मीर इशू लिख सकते हैं। सेकंड हेडिंग के ऊपर जो है वो वाटर इशू, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। वाटर इशू जो था वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बहुत बड़ा मसला था। द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी जो था वो दो कंट्रीज के दरमियान साइन हुई थी। इंडिया इज स्टिल वायलेटिंग दिस ट्रीटी, इंडिया हमेशा से इस माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, ठीक है। ये बेसिकली कौन सा माहदा था, इसमें यह हुआ था कि जो आपके थ्री ईस्टर्न रिवर जो थे वो इंडिया के पास चले गए थे, ब्यास, रावी एंड सतलज, एंड द थ्री वेस्टर्न रिवर सिंध, झेलम एंड चनाब, ये थ्री रिवर्स जो थे वो पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। लेकिन इंडिया जो है वो स्टिल वायलेट कर रहा है अपने इस माहदे को, और वो जो है वो हमारे रिवर्स के ऊपर जो है वो डैम्स भी बना रहे हैं। द शिमला पैक्ट वॉज साइंड बाय द बोथ द लीडर्स आफ्टर द वॉर ऑफ 1971 वेयर बाय द एग्रीड दैट देयर डिफरेंसेस वुड बी रिजॉल्व थ्रू डिस्कशन। अच्छा, शिमला पैक्ट वॉज साइंड बाय द बोथ द लीडर्स। इसके अलावा ये था कि 1971 में वॉर हुई थी जिसमें पाकिस्तान का ईस्टर्न पार्ट पाकिस्तान से कट गया था, ठीक है। इस वॉर को ख़त्म करने के लिए जो था वो 1972 में जो था वो शिमला पैक्ट जो था वो साइन हुआ था दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। बोथ कंट्रीज मेड एफर्ट्स टू इंक्रीज द कॉपरेशन थ्रू द साउथ एशियन एसोसिएशन और द रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क जो है उसकी एक मीटिंग हुई थी 1985 में, बट इट इज़ प्रोवाइड नो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट, लेकिन उसने कोई ऐसा खास रिजल्ट नहीं दिया था। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया गॉट अ चांस टू मीट इन द सार्क कॉन्फ्रेंस इन 1988, और पाकिस्तान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को दोबारा सार्क कॉन्फ्रेंस जो कि 1988 में हुई थी उसमें मिलने का मौका मिला। एंड द पैक्ट वॉज साइंड इन द टू रिस्ट्रिक्ट ईच अदर फ्रॉम अटैकिंग देयर न्यूक्लियर साइट्स, और इसके अंदर इन दोनों कंट्रीज ने जो था वो एक माहदे पर दस्तखत किए थे कि वो दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे की जो है वो न्यूक्लियर साइट्स को जो है वो अटैक नहीं करेंगे। नंबर फोर्थ हेडिंग पॉइंट के अंदर हम ये देखते हैं कि सम बेटरमेंट ऑफ द रिलेशनशिप अपेयर इन द पाकिस्तान एंड इंडिया इन 1990 में आकर पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप में कुछ बेहतरी हुई थी। म्यूचुअल ट्रेड एंड द ट्रैवलिंग फैसिलिटीज, क्या तब्दीली हुई थी कि म्यूचुअल ट्रेड, ठीक है ना, ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी दोनों बाहमी, ट्रेड स्टार्ट हुआ था, और ट्रैवलिंग फैसिलिटी, फिर एक बस सर्विस का भी इफ्तिताह हुआ था, ठीक है। नो एफर्ट्स कैन बी फ्रूटफुल विदाउट द सोल्यूशन ऑफ द कश्मीर इशू। अच्छा, ये अब ये है कि कोई भी कोशिश जो है वो सिर्फ कश्मीर के मसला, कश्मीर का मसला हल हो जाएगा तो हमारी सारी कोशिशें जो है वो कामयाब हो जाएंगी। पाकिस्तान इज फर्म इन इट्स स्टैंड, पाकिस्तान अपने मौके पर खड़ा है दैट कश्मीर इशू शुड बी सेटल अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन।
पाकिस्तान अपने इशू अपने जो है वो पॉइंट पर खड़ा है कि कश्मीर इशू का जो है वो यूनाइटेड नेशन के जो रेजोल्यूशन पास हुई थी उसके मुताबिक और कश्मीरियों की विशेष के मुताबिक जो है वो सॉल्व होना चाहिए। नंबर फिफ्थ पॉइंट में जो है वो आगरा कॉन्फ्रेंस है कि आगरा कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड बिटवीन द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम द 14 to 17 July 2001 के 14 जुलाई से लेकर 17 जुलाई 2001 के दरमियान एक आगरा कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी। 3 days डायलॉग्स जो थे उसमें जो था वो हम अनसक्सेसफुल थे, कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। लास्ट पॉइंट है इन सार कॉन्फ्रेंसेस रिकग्नाइज इन जनवरी 2000 ऑर्गेनाइज इन जनवरी 2004 इन इस्लामाबाद। द टॉक्स वर हेल्ड बिटवीन द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड प्राइम मिनिस्टर इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड द मैनी अग्रीमेंट्स वर सेटल्ड इन 2013। अच्छा 2004 में सार्क कॉन्फ्रेंस हुई थी, दोनों कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने उसको शिरकत की थी और बहुत सारे मसाइल पर जो था उन्होंने बात की थी। उसके अलावा 2013 में ड्यूरिंग द जनरल असेंबली सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन अ मीटिंग वॉज ऑल्सो हेल्ड बिटवीन द बोथ प्राइम मिनिस्टर एंड द व्यू टू कंटिन्यू बायलैटरल डायलॉग्स और दो तरफा जो था वो तालुकात पर जो थी वो उसमें बात की गई थी। ठीक है, आगे आ जाता है पाक ईरान रिलेशंस। ईरान जो है वो पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकग्नाइज पाकिस्तान इन 1947। पाकिस्तान को सबसे पहले जो था वो तस्लीम करने वाली कंट्री इस्लामिक कंट्री जो थी वो ईरान थी। 1947 में उसने पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया था। ईरान एंड पाकिस्तान आर द इस्लामिक एशियन एंड द नेबरिंग कंट्रीज। पाकिस्तान और ईरान जो है वो दोनों इस्लामिक कंट्री हैं, एशियन कंट्रीज हैं और दोनों नेबरिंग कंट्री भी हैं। बोथ कंट्रीज आर क्लोजली लिंक्ड विद द हिस्टोरिकल रिलीजियस एंड द कल्चरल रिलेशंस। दोनों कंट्रीज जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं किन वजह से, हिस्टोरिकली रिलीजन वाइज भी और कल्चर वाइज भी। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विजिटेड ईरान इन 1949 एंड शाह ऑफ ईरान आल्सो मेड विजिट टू द रिटर्न पाकिस्तान इन 1950। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने 1949 में ईरान का दौरा किया था और फिर ईरान के जो शाह थे उन्होंने 1950 में जो था वो पाकिस्तान का दौरा किया था और दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो था वो ट्रेड पर और कल्चरल एग्रीमेंट्स पे साइन हुए थे। ईरान एंड पाकिस्तान फेल्ट इट नेसेसरी टू कोऑपरेट ऑन द फील्ड ऑफ द डिफेंस और दोनों कंट्रीज़ के दरमियान इस बात का इतफाक हुआ था कि वो डिफेंस के बारे में जो है वो कोऑपरेट करेंगे। बोथ द कंट्रीज़ डेवलप्ड वेरी गुड रिलेशंस विद द अमेरिका एंड द कंसीडर रशिया फेडरेशन अ ग्रेट थ्रेड। अच्छा दोनों कंट्रीज़ जो हैं यानी कि पाकिस्तान और जो ईरान है ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात अमेरिका के साथ थे और ये दोनों कंट्रीज़ जो थे वो ये समझते थे कि रशिया जो है वो उनके लिए एक ग्रेट थ्रेड है यानी कि एक बहुत बड़ा ख़तरा है। पाकिस्तान ईरान तुर्की इराक एंड ब्रिटेन ये 5 ममालिक जो थे उन्होंने एक डिफेंस टेरिटरी बनाई थी, एक माहदा किया था, एक दिफाई माहदा किया था जिसको डिफेंस टेरिटरी बोलते हैं। इसको जो है वो बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है। अमेरिका वॉज सपोर्टिंग दिस पैक्ट और अमेरिका इस पैक्ट को सपोर्ट कर रहा था। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द बगदाद पैक्ट, बगदाद पैक्ट बेसिकली क्या है, एक डिफेंस ट्रीटी था, एक डिफेंस का माहदा था, ठीक है, जो कि 5 कंट्रीज़ के दरमियान हुआ था, पाकिस्तान ईरान तुर्की इराक एंड ब्रिटेन के दरमियान, और अमेरिका जो था वो इस तमाम पैक्ट को जो था वो सपोर्ट कर रहा था। आफ्टर द रेवोल्यूशन इन द 1958 ईरान विदड्रॉ, ईरान ने जो था वो 1958 के इंकलाब के बाद इस पूरी जो बगदाद पैक्ट था उससे निकल आया था एंड इट वॉज नेम एज अ सेंटो दिस टेरिटरी दिस डिफेंस टेरिटरी बॉर्ड पाकिस्तान एंड ईरान वेरी क्लोज इन ईच अदर और इस माहदे ने पाकिस्तान और ईरान को जो था वो बहुत ज़्यादा करीब कर दिया था। ठीक है ना, यहाँ पे सेंटो जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, सेंटो ये जो है इसका जो है बेसिकली अगर हम इसको इसकी जो एब्रीवेशन देखें तो ये जो आता है सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन बनता है। आगे अगर हम देखें कि चाइना सॉरी ईरान के साथ रिलेशन में अगर नंबर 3 पॉइंट देखें, ईरान ऑलवेज गिव सपोर्ट टू पाकिस्तान ऑन द कश्मीर इशू। कश्मीर इशू पर ईरान ने पाकिस्तान की सपोर्ट की एंड द प्रेज़ का इट्स स्टेंस इट हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड द राइट ऑफ द सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल। ईरान जो था उसने लोगों की सेल्फ डिटर्मिनेशन हक़ खुद अरादी की जो थी वो हमायत की थी और इसके अलावा ये इट हैज़ ऑलवेज ओपनली अपोज द आर्टिसाइड ऑफ द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की जो तशद्दुद वाली कार्रवाइयाँ थी उनको हमेशा से मुखालफ की गई, मुखालफत की गई उनकी। नंबर 4 पॉइंट के अंदर
जो है ईरान स्टोल फिर पाकिस्तान इन 1965 एंड 1971 वॉर, पाकिस्तान जो था कि उसके लिए साथ जो था वो ईरान खड़ा रहा है 1961 और 1971 की वॉर में, इट्स पॉलिटिकल मोरल एंड इकोनॉमिकल सपोर्ट जो है उसने पाकिस्तान को जो था वो बहुत ज़्यादा इनक्रेज किया था। ईरान डिड नॉट रिकगनाइज बांग्लादेश एंड पाकिस्तान अनटिल पाकिस्तान रिकगनाइज दिस। ईरान का सबसे बड़ा रोल ये था कि ईरान ने बांग्लादेश को तब तक तस्लीम नहीं किया था जब तक पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम नहीं किया था। शाह ऑफ ईरान तुर्किश प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मेट इन द 1964 एंड द इस्तांबुल ट्रीटी वाज साइन। ये तीन जो लीडर जो थे वो जब मिले तो इन्होंने इस्तांबुल माहदे पर जो था वो साइन किए थे, दिस टेरिटरी बोर्ड दिस इस्लामिक कंट्रीज वेरी क्लोजर, और इस माहदे ने इन कंट्रीज़ को जो था वो बहुत करीब कर दिया था। दिस टेरिटरी हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ द RCD रीजनल कॉरपोरेशन डेवलपमेंट। इसका मकसद क्या था, इसका मकसद था कि कम्प्लीट द ट्रीटी हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ द RCD कंट्रीज डिसाइडेड टू कम्प्लीट मैनी ज्वाइंट वेंचर्स। इस माहदे के अंदर बात की गई थी कि जो है वो इकोनॉमिकल हेल्प की जाएगी, ठीक है, इकोनॉमिकल माहदे साथ में किए गए थे। द ऑर्गेनाइजेशन नाउ हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द इकोनॉमिकल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ECO, पहले ये RCD के नाम से थी रीजनल कॉपरेशन डेवलपमेंट, उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया इसके नाम को ECO इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन विद द 10 मेंबर्स, और उसके जो मेंबर्स हैं वो 10 मेंबर्स हैं। आफ्टर द इस्लामिक रेवोल्यूशन इन द 1979 ईरान में इस्लामी इंकलाब आया था 1979 में, और पाकिस्तान हैड रिकग्नाइज द न्यू गवर्नमेंट इन ईरान, और पाकिस्तान ने इंडिया ईरान में आने वाली न्यू गवर्नमेंट को जो था वो तस्लीम किया एंड एक्सटेंडेड कॉपरेशन इन द एवरी फील्ड, और हर शुबे में उनके साथ जो था वो कॉपरेशन की। लास्ट पॉइंट है द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान विजिटेड ईरान इन 2000, पाकिस्तान के प्रेजिडेंट ने 2000 में ईरान का दौरा किया था। इट वॉज डिसाइडेड to enhance the cooperation in the different field.